रुपये पर हेड लग गया है, तो वो अभी पे करें तो अंदर जाके बताते हैं। क्या खाएंगे तो म्याऊं के लिए बॉल ले लूंगी मैं। आयो जी जी आ गए साला चौक में, हम रबड़ी खा रहे ठीक है। हाउ जीजी, ओ माय गॉड, आप भी खाओ, तेरा एंगल ही सही। क्या कर दियो राज कचौरी? अरे मैंने थोड़ा कर लिया, अब हम आपको खा के बताएंगे राज कचौरी ठीक है। अबे हम बताएंगे आपको जलेबी रबड़ी कैसी थी। मैं वो हम बता चुके हैं, वो बता चुके हैं। मैंने नहीं बताया लेकिन मैं बताऊंगी। सबका स्वाद अलग होता है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको मुँह पानी आ रहा तो सही आ रहा है। अब हम आपको बताएंगे राज कचौड़ी का स्वाद। बताएगी तू भी बताएगी क्या क्या है इसमें। बहुत टेस्टी है, मसाला पता ही होगा राज कचौड़ी में क्या होता है, मुझे नहीं पता, खा रही हूँ। भूख लगी है बहुत जोर से। अगर आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है और आप वहाँ बैठ के बोल रहे हैं दिशरा है, तब सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है दिशरा, दिशरा है। एक और स्पून है इसमें दही है ना, कुछ इधर आ जाना तो। इसको उधर रख दे, टेस्टी है यार बहुत। इधर किसका, इसको बीच में कर, बीच में। अब खुशी का रिएक्शन रिकॉर्ड होगा इसमें, जल्दी खा के बता। रात की चोरी बुला रहे हैं, क्या स्वाद है यार। मैं ऐसे देख के पानी यार बाढ़ में जाऊँ, मैं ही खा लेती हूँ। बहुत ही अच्छी है, वो कहना चाह रही है उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। हितांशी बताइए। अभी हम ऐसे करें क्योंकि सबको भूख लगी है।
चाय इंजॉय लस्सी इंजॉय दिख रही मसाला चौक में लो अब आ रही है चाय इन जयपुर लस्सी इन जयपुर मसाला चौक अरे एक काम करो सारी चीजें रोको यार सारी चीजें रोको पहले चाय में सब भूख लगी है बहुत जोर इधर दो स्नैप बनेगी पहले और बोलना पड़ेगा डोसा पिज्जा और ये खुशी क्या बात है यार ये है सारे फूड ब्लॉगर्स सबके फोन खुले हुए सबके सामने पानी आ रहा है तो आता रहे क्योंकि आना भी चाहिए हाँ के बात करते हैं अब बात नहीं हो पाएगी मेरे से फूड ब्लॉगर्स जस्ट अ सेकंड प्लीज Okay. फैंस को अपडेट देना चाह रही हूँ फ्रेंड्स अबे ओके बाय अंडा भाजी खा लो फ्रेंड्स छोले कुलचे छोले कुलचे बहुत अच्छी थी थैंक यू वेरी मच इतनी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है इनकी वो बहुत मीठी मीठी प्यारी सी बहुत टेस्टी आप जरूर चाय को केसर वगैरह डाला था ट्राई करें चाय में जो केसर वगैरह भी डाला था वो भी बहुत स्वाद केसर चाय है पर्टिकुलर वो नागौर से आती है अच्छा अच्छा नागौर की केसर चाय काफी फेमस है जी 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 तो उसी को हमने यहाँ पे हमारे स्वाद की वजह से हमारा ये दुकान का नाम वहाँ बना है आपसे जो छोटा होता है मैं उसको बोलता हूँ लड़कियों को बाईस बड़ी मैं आपको काफी बनाऊंगा क्योंकि मसाला चौक का जो कंसेप्ट है वो जयपुर में स्ट्रीट फूड वालों के लिए एक जगह खाने का एक जगह टूरिस्ट को पर्यटक सारी चीजें एक जगह मिल जाए उसके कंसेप्ट पे बनाया गया बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत अच्छा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके है ना थैंक यू शांति है यार यही लग लगा लेना कल तो ढाले लगेगा ही नहीं तो अभी खरीद लेना खोल लेना यार फाइनली हम लोग हवा महल के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं हम सभी लोग एक मिनट पीछे जाके बता हम लोग आ चुके हैं और दिशा वो आगे चले गए हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और एंट्री शायद यहीं से ही है न
पहली बार ही आए तो पता नहीं और ये लिखा है ये रहा टिकट विकेट भी है। ये है चंद्रपोली गेट, हवा महल का गेट है। ये स्टोरी है पूरी, पॉज करके देख लेना। ये प्रवेश द्वार है, बहुत सुंदर है। वाव, हवा महल में एंटर हो गए। पूरा हवा महल पीछे से देख सकते हैं आप। इतना सुंदर है ये, मैं तो देख देख के पागल हो गई। पास से दिखाते हैं, ये देख सकते हो आप, सो ब्यूटीफुल। ये है भोजनशाला, मोस्टली दरवाजों पे ताले लगा मिलेगा आपको। भाई साहब कैसी कैसी सीढ़ी पकड़ के ही चलना पड़ेगा। खतरनाक है यार ये। यहाँ नहीं देखना, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर एकदम अंदर। मसाला चौक इधर सारा कितना ऊपर चल के जाना है यार। नहीं नहीं इधर भी, इधर नहीं है कुछ, नहीं है इधर। ओह माय गॉड यार कितना सुंदर है ये। ओ भाई साहब पूरी सिटी दिखती है ऐसे। वो बात अलग है, सांस फूल रही है। नंबर है इसका, नंबर तो नहीं मालूम है।
अच्छी जगह है, लेकिन अभी है ना हमें कि हवा महल में अटक के रह गया है। पता नहीं बाकी जगह कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ हिसाब किताब ही नहीं बन पा रहा अभी इनको। लेकिन नीचे जाते फिर देखते हैं इनकी फोटोग्राफी चल रही। ओ भाई साहब, ये तुम लोग यहाँ पर हो? मैं भी मुझे भी ले लो कोई फोटो। मैं मुझे भी फोटो में नहीं ले रहा, मैं खुशी से बात कर लूँगी। तो खुशी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका हवा महल का? हवा तो नहीं आ रही, धूप जरूर लग रही है। कह रही हवा तो नहीं आ रही, धूप जरूर लग रही है, गर्मी हो रही ना। हाँ सारी धूप है, देख लो इनके कपड़े। मैं मज़ा जरूर आया, हमें चार पाँच जगह और घूमना है यार, जल्दी कर लो यार प्लीज़। तू रहने दे, अच्छे ब्लॉगर है, पर ठीक है फोटो खींच दो अब। मुझे भागना पड़ा।